कैमूर जिले के रामगढ़ हाई स्कूल के मैदान में आदर्श नव युवक संघ द्वारा संचालित फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच बिहार 11 बनाम महुआ के बीच खेला गया। मैच शुरू होने से पहले रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय कर खेल का शुभारंभ कराया। वहीं इसी दौरान विशिष्ट अतिथि उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक पवन सिंह सहित प्रखंड के सभी पैक्स अध्यक्ष मैदान में उपस्थित रहे। मैच शुरू होने के बाद दोनों टीम के खिलाड़ियों ने काफी रोमांचक मैच खेलते हुए बिहार 11 की टीम को एक गोल किया, जबकि जदयू के नेता सत्य प्रकाश तिवारी ने मैच शुरू होने से पहले ही घोषणा किए थे कि जो टीम पहले 1-0 से बढ़त बनाएगी उस टीम की मेरी ओर से 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी। शानदार मैच खेलते हुए महुआ की टीम ने बिहार 11 की टीम को 1-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। वहीं महुआ की विजेता टीम के खिलाड़ी रंजीत कुमार को मैन ऑफ द मैच के रूप में जदयू नेता सत्य प्रकाश तिवारी ने 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेंट किया। रामजी गुप्ता, सिटी न्यूज कैमूर से। रंगों में सजी हुई महुआ की टीम और पश्चिम तरफ अपने प्लेयर की तरफ से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं रोशन सिंह जर्सी। आज टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी आयोजन करता है, बिक्की सिंह जो नवयुवक संघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन कराया, उनको दिल से काफ़ी हम प्रशंसा कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आगे भी ऐसा है टूर्नामेंट कराएं और इनको हम प्रोत्साहन करेंगे कि आगे से क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के नए खिलाड़ियों में ऊर्जावान है बहुत से लोगों को लाने का कृपा करें, कष्ट करें, ऐसे लोगों को चुन चुन के मैच कराएं और हम इनके साथ हमेशा कदम में कदम मिला के चलेंगे। ये देखा गया खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आपने पहले गोल पर 11,000 की राशि घोषणा की और आपने दी भी, ठीक ना? और खिलाड़ियों के प्रति क्षेत्र के जो हैं उनके मन क्या कहना चाहते हैं? 11,000 रुपये तो बहुत छोटी सी रकम है, और इससे भी अच्छा खिलाड़ी आएंगे और अच्छा खेल होगा तो मैं आगे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन राशि देने का कष्ट करेंगे हम। और रहने वाले बिहार के लेकिन रहते हैं यूपी में, वहाँ से चल के आए भूपेंद्र जी, लगातार तीनों लोगों ने जिस तरह से इस खेल को रोमांचक बनाया, खेल का नियम बताया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ रामगढ़ प्रखंड के पैक्स सहित पंचायतों के सम्मानित जनप्रतिनिधियों का। टीम के खिलाड़ी खेल मैदान में अपनी कला का प्रदर्शन किए, निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है। कितना हो कहा जाए तो वह कम होगा। और जहां तक बात है हार और जीत की, मैं तो मानता हूं कि खेल में हार और जीत होती ही नहीं। ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज किया गया था टूर्नामेंट, और हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। जो टेक्निकल और टैक्टिकल पार्ट था वो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया, और बाकी जो भी गलतियां रहेंगी हम उस पर आगे काम करेंगे, हमारे प्रैक्टिस सेशन में यूज़ होगा। बाकी लड़कों ने आज बहुत अच्छा खेला और उस फलस्वरूप हमें 1-0 से यहाँ पर विजय प्राप्त हुई। क्या आपने सोचा था कि आज हमने यहाँ फील्ड पर इस टूर्नामेंट को जीतेंगे? ये सोचने की बात नहीं, हम इस ग्राउंड में इसीलिए उतरे थे कि विजयी होकर यहाँ से जाएंगे। कोई भी टीम उतरती है तो एक जीत के लिए उतरती है, कोई हारने के लिए नहीं उतरता, और जीत और हार एक खेल का रूप है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम जीतने के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ दर्शकों का संख्या बहुत काफ़ी देखे जी, उन लोगों से क्या आपको कैसा लगा उन लोग का? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, बहुत अच्छा सराउंडिंग था यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा हमें उनका सपोर्ट पाकर। बहुत ही एक माहौल बना हुआ था, अच्छा तो अच्छा लगा मुझे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम क्या आपका? प्रशांत यादव। क्या है आप? मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर। इस किस टीम का कैप्टन? जी ट्रैक्टर स्वदेश में है। थैंक यू। सम्मान में और खेल की प्रतिभा को उसकी सरकार से पूरा कर रहा है। मैं
अभी रुके रहिए रुके रहिए।